हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन औरतों में ये निशानियां हो वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। औरत के बाबरकत होने की तीन बड़ी अलामत ये हैं: उसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो, दूसरा उसका महर आसान हो यानी बहुत ज़्यादा पेचीदा ना हो, उसके हाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। एक नेक आदमी शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर अपने घर लौट रहा था, रास्ते में समंदर आ गया। आदमी ने एक कश्ती का इंतज़ाम किया और वो दोनों समंदर अबूर करने लगे। कश्ती भी समंदर पहुंची ही थी कि समंदर में तूफान आ गया। उस सूरत हाल में बीवी का खौफ से बुरा हाल हो गया, लेकिन आदमी ऐसे इत्मीनान से बैठा रहा जैसे कुछ गैर मामूली नहीं हो रहा। ये देखकर बीवी को हैरत हुई, वो गुस्से से चिल्ला उठी, आपको नजर नहीं आ रहा, तूफान कश्ती को डिबोने लगा है, हमारी मौत सर पर है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। ये सुनते ही खावन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और बीवी की शेर रख पर रख दी। बीवी हंस पड़ी और बोली, ये कैसा मजाक है? खावन ने पूछा, क्या आप मौत से खौफ ज़दा हो रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि मैं आपका गला काट दूंगा? ये सुनकर बीवी बोली, आप पर और आपकी मोहब्बत पर अतमाद है, मुझे पता है आप मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं और आप मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सुनकर खावन बोला, जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर एतमाद है वैसे ही मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत पर यकीन है और तूफान भी अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे उसे रोक ले, चाहे तो हमारी कश्ती डिबोकर भी हमें बचा ले, अल्लाह ताला जो भी फैसला करें वो हमारे हक में बेहतर होता है।